नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको औषधीय पौधा इंसुलिन प्लांट के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस पौधे का साइंटिफिक नाम कोस्टस इग्नियस है। यह पौधा टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इस पौधे की पत्तियों में पोरोसोलिक एसिड नेचुरल तौर से होता है। यह एसिड पैन क्रिया यानी अग्न्याशय से इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है और खून में ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने केवल 3 चीज़ें ली हैं। पहले बगीचे की मिट्टी, दूसरा रेत और तीसरा घर का गोबर, यानी पहाड़ से मंगा रखा मैंने ये गोबर इस पौधे के लिए स्पेशल। मिट्टी बनाने के लिए मैंने बराबर मात्रा में मिट्टी, आधी मिट्टी डालूँगा और आधा रेत, यानी मिट्टी और रेत बराबर मात्रा में मैं मिलाऊंगा इसके साथ। और ये छोटी ट्रे जो घर का गोबर है, ये सारा का सारा मैं इसमें मिला रहा हूँ। अब मैं दोनों हाथों से इसको ठीक से मिलाऊंगा ताकि मिट्टी, रेत और गोबर ठीक से मिल जाए। अब मैंने ये पहाड़ का गोबर क्यों बताया आपको, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि सबसे अच्छी खाद पौधों के लिए कौन सी होती है। 3-4 खादें जो हम बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इधर का लोकल गोबर हो गया और पत्तियों की खाद हो गई। यानी पत्तियों की खाद का मतलब मेरा इससे है कि किचन वेस्ट और सूखी पत्तियों की जो हम खाद बनाते हैं, और ये गोबर जो पहाड़ का गोबर है, इनमें सबसे अच्छी खाद कौन सी है, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा और आपको मैं वीडियो बनाकर सारी बातें समझाऊँगा। अब ये मिट्टी तैयार हो गई है, देखिए बिल्कुल सैंडी मिट्टी है। तैयार की हुई मिट्टी को मैं गमले में डालता हूँ, आधा भरूँगा इस प्रकार से, आधा भरें। अब मैं पौधे को लेता हूँ। इस पौधे को मैंने कटिंग से घर में ही तैयार किया हुआ है। कटिंग लाया था मैं कहीं से और एक कटिंग लगाई थी मैंने, और इतना बड़ा पौधा, इतनी शाखाएँ देखिए इसमें निकल गई हैं और एक अभी भी निकल रही है, देखिए आप। ये 6 इंच का गमला था, अब इसके लिए ये गमला छोटा हो गया तो मैंने 10 इंच का गमला लिया। अब इसको ढीला करें धीरे से इस प्रकार से, और ऐसे पकड़ते हुए पौधे को बाहर निकालें। ये देखिए आप, जड़ें भी अच्छी आ रखी इसमें। थोड़ा इसको ढीला करें और मिट्टी को हल्का सा ढीला, तो खैर खुद ही हो गया है, कुछ मिट्टी गिर गई है। अब इसको गमले में डालें पौधे को और सीधा करें। अब ये फिट बैठा हुआ है। अब मैं इसमें बाकी बची हुई मिट्टी डाल रहा हूँ। एक हाथ से पकड़ें इसको सीधे करके और दूसरे हाथ से मिट्टी डालें। देखिए साथियों, मैंने गमला 2 इंच ऊपर से खाली रखा हुआ है। इसका फ़ायदा मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि इसका क्या फ़ायदा होता है। अब मैं दोनों हाथों से इसको दबाता हूँ ताकि पौधा सीधा हो जाए और हवा से ना गिरे। इस प्रकार से आप भी यही करें। अब लास्ट में किनारे किनारे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी दें। देखिए मिट्टी वेल ड्रेन है और पानी 1 सेकंड में जो मैंने डाला था सारा नीचे निकल गया है। साथियों, मैंने इसमें केवल 3 चीज़ इसलिए मिलाई है, गोबर, रेत और मिट्टी, क्योंकि ये पौधा औषधीय पौधा है, इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। अगर आप इन 3 के अलावा कोई और खाद मिलाएंगे तो इसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप भी अगर अपने घर में इस प्लांट को लगाते हैं तो आप भी इन 3 ही चीज़ों को मिलाएं, रेत, गोबर और मिट्टी। यह पौधा आउटडोर ज़्यादा पसंद करता है, इसको तेज़ धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 6 से 8 घंटे इसको धूप में रखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ठंड में और ज़्यादा गर्मी में इसको हमेशा बचा के रखें। यह पौधा ज़्यादा लंबा होने पर इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, इसकी कटिंग करके इसमें नए शाखाएं निकलती हैं। इसके नीचे कंद होता है और वहां से सेकेंडरी पौधे निकलते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिर्फ एक छड़ी से लगाया था, एक कटिंग से लगाया था, और देखो 5 से तो ये निकल गए हैं और एक और निकल रहा है अभी, देखिए आप छोटा। इस पौधे को पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा पानी देने से इसके कंद, जो नीचे कंद है, वो सड़ जाते हैं। इसकी पत्तियों का
स्वाद हल्का खट्टा होता है। डायबिटीज वालों को इसको तीन तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर एक चम्मच रोज खाली पेट एक गिलास पानी के साथ लें। दूसरा तरीका है, पत्तियों को उबालें कम से कम 20 मिनट, उसके बाद उसको छानें और उसको पी सकते हैं आप खाली पेट। और तीसरा तरीका है, पत्तियों को चबाकर रोज सुबह खाली पेट एक या दो पत्तियां आप चबाएं, इससे आपको फायदा होगा। बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप एक पौधा जरूर, मधुनाशिनी भी इसको कहते हैं, लगाएं। इससे डायबिटीज कंट्रोल के अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं मधुनाशिनी के। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू साथियों, बाय बाय।